पांव पे दबाव पड़ गया वॉक करते हुए। तू सारे माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड NEWVLOG। भाई साहब, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि रजब अली बट इतना मेहनती हो जाएगा। रात के 1:45 हो रहे हैं और मैं व्लॉग कर रहा हूँ। इससे साबित होता है कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा खैर, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि रात के 1:30-2 बजे मुझे व्लॉग स्टार्ट करना पड़ा है। सेम कुछ ऐसा है कि मैं आज जिम जाता हुआ घर वालों से कह के गया था कि रात का खाना हम सब, मैं, अवैस, अम्मा, बाबा बाहर खाएंगे। मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या हुई, वो ये कि मैं जिम से निकला हूँ, मेरी गाड़ी का टायर पंचर और मुझे स्टेपनी लगानी नहीं आती। बहुत ही मुश्किल से पेट्रोल पंप तक गाड़ी पहुंचाई, पंचर लगवाना स्टार्ट किया तो अल्लाह की करनी ऐसी ऐसी बरकत टली, पंचरों में 13 पंचर निकल आए जो कि मुझे नजर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन उसने कहा 13 पंचर हैं तो हम उनके साथ बहस नहीं कर सकते, उनका एक अपना मुकाम है, वो करना चाहे तो 13 के 26 भी कर दें और हमें उस वक्त लगवाने पड़ते हैं। खैर, 13 पंचर लगवाए, टाइम हो गया। अभी मैं घर पहुंचाऊँ तो सब सो रहे हैं। अवैस ने उठ के दरवाजा खोला, पेड़े से मुंह से मुझे देखा और जाके फिर सो गया। अब मुझे पता है कि मैंने इन सबको कहा था कि खाना बाहर खाएंगे, ठीक है, और मैं टाइम पे पहुंच नहीं सका और मम्मा का मुझे फ़ोन भी नहीं आया। अम्मा का फ़ोन क्यों नहीं आया, ये भी सोने पे सुहागा है। मुझे पिछले कम से कम 15 से 20 दिनों से टॉन्ट पड़ रहे हैं कि वड्डा मेरा पुत्र देख, कल्ला कल्ला मेरा पुत्र है, एक मोबाइल नहीं मैंने लिया कर दिता जा रहा। हर व्लॉग में वो कहती थी, लेकिन मैं सीन क्रॉप कर देता था, मैं सीन एडिट करके कट कर देता था बीच में से कि मेरी बिस्ती होगी आप सबके सामने। दरअसल अम्मा का फ़ोन, जो छोटी बच्ची है मिनसा हमारे घर पे, उसने फेंक के तोड़ दिया था। अम्मा का फ़ोन ख़राब हो गया था तो मैंने फ़ोन लेके मेरे दोस्त की दुकान है उसे दे दिया था कि यार इसको सही करवा के सेल कर दो, फिर जैसे ही कोई ऑल्टरनेट फ़ोन आए थोड़े पैसे और डाल के बीच में तो मैंने अम्मा के लिए वो लेना है। मेरी कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई और कुछ नया फ़ोन अभी वहाँ पर आया भी नहीं उसके पास, अम्मा का फ़ोन सेल भी नहीं हुआ। ये सीन्स करते करते, कुछ मेरी लापरवाही भी करते करते, अम्मा के फ़ोन को कम से कम 20-25 दिन हो गए आया ही नहीं। अम्मा की बहनों के फ़ोन मेरे फ़ोन पे, दूर के रिश्तेदार का फ़ोन मेरे फ़ोन पे, सारे मुझे फ़ोन करके कहते हैं अम्मा से बात कराओ, अम्मा से बात कराओ। खैर, अब मैंने सोचा ये कि मुझे पता था कि खाना तो इन्होंने अब खा लिया होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है बट हैं सारे, तो ये रात को 1:30-2 बजे तक तो भूखे नहीं रहने वाले, खाना इन्होंने खा लिया होगा। लेकिन मैं इनको बाहर लेके जाऊंगा, सबको छोटा छोटा कुछ जो उनको पसंद होगा, जैसे मम्मा को मुझे पता है आइसक्रीम पसंद है, अवैस को देखते हैं क्या पसंद है, बाबा को क्या पसंद है, इन सबको अंदर जाके उठाते हैं। और मेन चीज़ जो मैंने अपना बचाव किया, मैं गया अपने दोस्त की दुकान पर, मैंने उसे कहा, मैं कहा भाईजान ज़मीन खोदें या आसमान फाड़ें, कुछ करें, फ़ोन निकाल के दें। तो अम्मा का नया फ़ोन 7 कवर लेके आया हूँ ताकि उनका मूड कुछ बेहतर हो जाए। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन बस थोड़ी सी लापरवाही मेरे से हो गई, उनका फ़ोन काफ़ी लेट हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ कि मेरी अम्मा ने मुझे कहा और मैं उसे करने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझसे, लेकिन आ गया फ़ोन। उनको सरप्राइज भी करेंगे व्लॉग के एंड में मोबाइल दे के कि आपका फ़ोन नया आ गया है, अब आप टिकटॉक देख सकती हैं, यूट्यूब देख सकती हैं। फ़ोन को भी हम रख देते हैं गाड़ी के अंदर, जैसे ही कुछ खा पी के वापस आएंगे फिर रात को अम्मा को सरप्राइज करेंगे मोबाइल दे के। अब कोशिश करते हैं इन सबको उठाने की। पहले उठाते हैं भट साहब को। भट साहब मैंने जाना है अब मेरी बात ना हो, चलाओ उठो खाना खाने चले। मैंने नहीं जाना भाई, यार मुझे भूख लगी है, चलाओ चले। यार मैंने नहीं जाना, जान वेहला मर्जी है तेरी, उठ जा यार। यार उठ जाओ अभी अभी, और 2 बजे कहाँ बजे हैं, अभी तो सिर्फ 13 बजे हैं, चलाओ चले। आ जाओ, शाबाश, आई लव यू। डेंजरस वुमन को उठाते हैं। ओए आप लोगों को चीज़ दिखाऊं, मेरी जान के टोटे को ना चेक करो, पाँव पे दबाव पड़ गया वॉक करते हुए, तो डॉक्टर ने अब वो डीप हीट क्रीम दी है वो लगा के पट्टी करके सोए हैं। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा काका, मुन्ना शुन्ना, उठाना कैसे अब इनको। अम्मा 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 दफा हो क्या, उठ जाओ खाना खाने चले। नहीं हमने नहीं खाना खा लिया, आ गया दफा हो गया, 12-2 बजे रात, और 2 कहाँ बजे अभी तो सिर्फ 13 बजे हैं। नहीं बस खा लिया, आ जाओ ना, मुझे भूख लगी है, उठो ना, मुझे भूख लगी, उठो। अच्छा जी, अम्मा भी उठ चुकी हैं, बाबा भी उठ चुके हैं, टाइम हो रहा है 1:45। अब उठाते हैं अवैस को और निकलते हैं बाहर और इनसे पूछते हैं कि उन्होंने खाना क्या है। वैसे मरना तेरे को डर नहीं लगता चला खाना खाने चले इस टाइम?
ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਪਰਸੋਂ ਚਲੀਏ ਉੱਠ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਮਾ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ अच्छा जी फैमिली सारी उठ चुकी है अब निकल रहे हैं बाहर इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या खाना है ताकि हमें पता लगे हमने कहाँ कहाँ जाना है अस्सलाम वालेकुम भट साहब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भट साहब वालेकुम सलाम यार गुड मॉर्निंग कहा मैंने गुड मॉर्निंग अच्छा क्या खाना आपने नान को आप आपने खाना नहीं खाया है खाना खाया नहीं आपने खा लेंगे थोड़ा बहुत हाँ जी पानी तुम खाना सही तरह बोलो बाबा जी की कुल्फी वो वाली चलो जी फाइनल हो गया एक बंदे की कुल्फी बाबा जी की और भट साहब का नान कबाब और वो तीसरा जो है लेडीज उसका है गोलगप्पे मैं देख लूंगा जो ये सब छोड़ेंगे मैं खा लूंगा आपको पता है मेरा तो कोई नाज नखरा है ही नहीं है ओके जी तो हम निकल चुके हैं घर से पहले हम जाएंगे कुल्फी वाले की तरफ अम्मा को कुल्फी खिलाएंगे अम्मा से फ्री होके फिर हम जाएंगे नान कबाब की तरफ बाबा को नान कबाब खिलाएंगे फिर हम ढूंढेंगे रात के 2 बजे गोलगप्पे अब ऐसा आपने गोलगप्पे खाने हैं मैं देखता हूँ कि मैंने क्या खाना अभी कंफर्म नहीं हुआ मुझे और अम्मा बाजी आप वैसे अल्लाह का शुक्र तो अदा करते हो ऐसा फर्मा बरदार बेटा मिला है रात के 2 बजे कुल्फी खिलाने लेके जा रहा हूँ आपको है कि नहीं फर्मा बरदार नहीं 2 बजे रात के कहा कब और कब जा रहा और तू इतनी फर्मा बरदारी तुम्हारी मैं बताऊँ सबको क्या 1.5 महीना का तूने मेरा मोबाइल लेके डेढ़ तो नहीं खैर हुआ मम्मा जी अभी महीना हुआ ऑलमोस्ट कोई टिकटॉक नहीं मैंने देखी इतने दिनों से मेरा मोबाइल लेके बड़ी तेरी फर्मा बरदारी है यार मम्मा क्या क्या काटूं मैं ओप्स आई एम सॉरी माँ जी कुल्फी वाला तो बंद है आप एक काम करो कुल्फी छोड़ो वो याद है जो आपको वाबेटाउन से आइसक्रीम खाई थी टेस्टर वाली आइसक्रीम ओए बड़ी मजा आइसक्रीम छोड़ खिलाते मैं ते बड़ा बड़ा सान अद्धी रात का थी कुल्फी बंद होगी मेरी तू मेरे ते करम कर मेरे ते मेहरबानी कर मैं ते मेरा पुत्र असी गोल कपे ही खा लेने मेरी वो फोम वाली आइसक्रीम तो मैं एंजी चंगी ओ बड़ी मजा ओ भाई मेरे भूलन दे अम्मा उस टेस्टर वाली आइसक्रीम से ऐसा चालू हुई है कहती मैं आइसक्रीम नहीं खानी हाँ भाई गोलगप्पे किस तरह दर्जन है 950 250 क्या है ना 250 हाँ जी कितने 2 दर्जन बढ़े आप लोगों को एक दर्जन काफी छे नहीं गोलगप्पा उनका क्या सही होगा गोलगप्पे तो कैसे खाने स्पाइसी लगवा दूं नॉर्मल और मीठी थोड़ी ज्यादा 6-6 बढ़े भाई दर्जन ले आ स्पाइसी ज्यादा ना करना मीठी चटनी बीच में डाल देना ठीक है अम्मा और अवैस दोनों के गोलगप्पों का ऑर्डर दे दिया है पीछे रह गए मैं और मेरे बाबा बाबा ने खाने हैं नान कबाब वो तो मिल जाएंगे इजीली और मुझे अभी तक श्योर ही नहीं हो रहा कि मैंने क्या खाना है और याद आया कि दूर के रिश्तेदार को फोन करते हैं उससे पूछते हैं कि कल के खाने में क्या है क्योंकि आप सबको मेरा ख्याल है याद ही होगा नेक्स्ट सैटरडे मतलब जो कल सैटरडे आ रहा है उसके घर पूरे ददयाल की दावत है तो कल हम सब वहां जा रहे हैं ये तो व्लॉग बस अभी मैं रात को ऐसे निकला था खाने पीने मैंने कहा चलो व्लॉग भी साथ शूट कर लेते हैं तो जो मेन कल वाला व्लॉग आने वाला है बहुत मजेदार होगा सारे ददयाल से मैं आपको मिलवाऊंगा अभी फिलहाल उसको फोन करते हैं उससे पूछते हैं खाने पीने में क्या है और हमारे 15,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारी पार्टी का इंतजाम करो और गोल गप्पे आ चुके हैं थैंक यू ये लो पकड़ो चलो भाई शुरू करो खट्टा आ रहा है अभी खाना था मीठा मिल गया तीखा थैंक यू चलो भाई चलो आप लोग गोलगप्पे तनोश फरमाओ मैं दूर के रिश्तेदार को फोन करके जरा पूछूं कल की दावत में क्या बन रहा है खाने पीने को मैंने कल सुबह से नाश्ता भी नहीं करना दोपहर का खाना भी नहीं खाना रात को खाना कभी नहीं खाया रात का खाना खाऊंगा वहां जाके हेलो की हाल है शुक्र अल्लाह का जाग ही रही हो ना मुझे पता था उल्लू जाग ही रहा होगा रात के मुसाफिर हम जानते रहते हैं सुनाओ क्या चल रहा है पहले ही पता था क्या कर रही हो कुछ नहीं मैंने कहा मैं
फोन करके आपसे कह दूं कि क्या कल का इंशाल्लाह फिर डन है ना, आपने आना भाई तरफ? जाहिरी बात है मैंने नहीं आना तो और किसने आना है? रात के इस पहर फोन इसलिए किया है तुमसे पूछने के लिए कि कल की डिशेज में क्या है मुझे बता दो। मैंने अभी खाना छोड़ दिया, अब मैंने खाना छोड़ दिया, सुबह नाश्ता भी नहीं करना, कल दोपहर को खाना भी नहीं खाना, रात को एक दफा तुम्हारी तरफ ही आके खाऊंगा। मेन्यू तो बता दो, मैंने सुना हिरन का गोश्त बना रहे हो। अच्छा चलो चलो एक बात सुन लो, हमारे 15,000 सब्सक्राइबर जो है वो एक या डेढ़ दिन के अंदर हो जाएंगे, मेरा बेटा पार्टी रेडी रखो, तुम्हारा 50-60 लाख रुपया लग जाता कम से कम पार्टी पे। चलो डन हो गया, कल वाला व्लॉग फिर तुम्हारे साथ ही होगा इंशाल्लाह। घर पे सब ठीक है? चलो सबको सलाम देना, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, निकलो शाबाश, आई लव यू, आई लव यू टू, बाय, निकलो, टाइम ना जाया करो। क्या मतलब नहीं मजेदार गोलगप्पे? सबसे नहीं मजेदार। यार मम्मा तू दस, मजे के वो कह रहा, मजे वो कह रहा, मजे के हैं आपको? मैं तेनु कह रही हूं सिर्फ ड्रम च पाने, मेनू पूछ टेस्ट कैसा, क्या टेस्ट है गोलगप्पे के अंदर, क्या वैरायटी का टेस्ट होता है मम्मा जी? आप बहुत ही ज्यादा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन के देखिए, खाना बंदे को खाना चाहिए, ये जो चीज ये बीच में जो फीलिंग की उसने कसम ऐसे हुई हुई है। कैसे यार मम्मा हद हो गई है, बट साहब की बुड्ढी ताड़ी यार, सो रहे हो आप? चलो अब खा लो ना, लो मम्मा खा लो ना। यार तुमने जो कुल्फी खवाती ना आइसक्रीम में तेते बड़ा बड़ा साल की टेस्टर वाली गोलगप्पे वैसे ही, मैं माफी चाहता हूँ मम्मा। तू हो पुत्र लेट आ, बुढ़िया बंदे उठा उठा के बहे खाने खुआ, ना मेरा फोन लग गया है, ना स्वाद का खाना खुआ, ना मेरी कुल्फी खाई, चल निकम्मा। फोन आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, मैंने कह दिया। और कोई रकम होना चाहिए नहीं, ऑर्डर ऑर्डर पे आपका फोन बनवाया, ऑर्डर पे मेरी जदे सारे काम ऑर्डर पे होना, तो अपने को और फोन भी रख, मैं तो को लड़े ही नहीं, 1.5 महीना हो गया मैंने टिकटॉक देखा, मैं नहीं लेना फोन, पक्की बात है, अब गुस्से में कह रही हो? अच्छा ये ले भाई, थैंक यू, बड़े मजेदार गोलगप्पे थे, ये ले। अवैस और मामा फ्री हो चुके गोलगप्पे खा के, अब बाबा के लिए देखते हैं नान कबाब कहीं से अच्छे से। जे मम्मा नु आइसक्रीम खवाइए हो गए जाना, देखिए अच्छा जे नान कबाब देखी के यार बट साहब मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कबाब है नान कबाब जी? कबाब के बीफ या चिकन? बीफ या चिकन भी है। बीफ कितने का? बीफ 150 और चिकन 160। हाँ जी बट साहब, बीफ के चिकन जी? बीफ भाई, सादा नान, दो बीफ कबाब गाड़ी में ही ना, रोकनी है? रोकनी ही, जो भी है ले आओ, जो रोकनी है। हाँ, और दो बीफ कबाब गाड़ी में ही ले आओ, रायता करना है। हाँ ले आओ ले आओ। भट साहब जी, यार यहाँ से ना कबाब वैसे मैंने 2-3 बार खाए हुए हैं, मुझे तो पसंद है, आपसे डर लगता है इसलिए आपको पहले ही कह रहा हूँ, अगर आपको पसंद ना आए तो मुझे माफ कर देना। सानू ढाई बजे उठा के ना, तू सानू माफ कर दे यार, भट साहब मर्जी है आपकी यार, थैंक यू भाई साहब। जिंदगी में जब भी शादी हुई, जब भी शादी हुई तो प्यार ऐसा चाहिए, चेक करो। भट साहब ने कहा जी कि मेरी बुड्ढी ने गोलगप्पे 2-3 नहीं खाते ने, ठीक है तो मैं नान कबाब उन्होंने नाल शेयर करके खावांगा। क्या बात है भट साहब, इधर है लव हो जाए, हो जाए मामा जी। ये लो पानी, ये लो भाई बिल ले आना, थैंक यू, ये लो। ओके जी, खाना पीना हो गया डन, मुझे भूख नहीं है सीरियसली, क्योंकि टाइम काफ़ी ओवर हो चुका है, मैं इस टाइम अगर खाना खाऊंगा तो सुबह टाइम नाश्ता नहीं किया जाएगा, और नाश्ता ना किया गया अगर तो फिर रात को मैं दावत पे खाना कैसे खाऊंगा जाके, तो मैं जस्ट जाके अब प्रोटीन शेक पीऊंगा और सो जाऊंगा। हाँ जी मम्मा, कबाब पसंद आ गया? कबाब तो मजे का था, पर नान बहुत मजे का था, शुक्र अल्लाह शुक्र अल्लाह। और जी मैंने ये जो गोलगप्पे था ना, मैंने एक बड़ी मुश्किल से निकला, सारे ये बहस खा गया। अच्छा चलो शुक्र लगा, मैंने जाके ना 2 नफर शुक्राने के पढ़ने, आपको आपको कोई चीज पसंद तो आई? नहीं वाकई, थैंक यू, आई लव यू मेरी जान, थैंक यू, होम स्वीट होम। अब बारी आती है मम्मा को सरप्राइज देने की। ओके जी, तो हम आ चुके हैं घर वापस। ओके माँ जी, आपको शिकायत तो नहीं मेरे से, राजी बाजी हो? नहीं कोई शिकायत नहीं, पर ये देख लिया मेरा मोबाइल ले आ, कसम से 1.5 महीना हो गया मैंने कोई भी लोग कुछ नहीं देखा, ले आगे मैं तेरे साथ व्लॉग बनाने बंद कर देने। तो क्या क्या कर देना? व्लॉग बनाने बंद कर दूंगी, तो व्लॉग बनाने बंद कर देंगे, ले आऊंगा इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर आ जाएगा।
हैप्पी नया नया, और ये हैंग भी नहीं होगा। थैंक यू, पहले क्यों नहीं बता रही? मेरे अपने बेटे के सदके। सॉरी फॉर द लेट, लेकिन ये कि अच्छा फोन लेके आऊं आपके लिए, ठीक है? थैंक यू। अब ज्यादा ज्यादा व्लॉग बनाने हैं आपने मेरे साथ, ठीक है? लव यू। उतार ना ये। हां, प्रोटेक्टर उतार दो, ये लो कवर भी नया। डबल डबल थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जान। आई लव यू। हां उतार दो, उतार दो। इनको खुश देख के मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह, सरप्राइज भी हो गया, खाना पीना भी हो गया। आप लोगों को एक मजे की चीज बताऊं, मेरे बाबा फोन नहीं रखते। मेरे बाबा ने फोन कभी रखा ही नहीं। कुवैत में थे जब स्टार्ट में, तब फोन होगा उनके पास। जब से मैंने होश संभाल लिया, मेरे बाबा के पास मैंने फोन नहीं देखा आज तक। हाँ जी, खुश हो? खुश हो राजी बाजी? आपकी बीवी खुश तो आप भी खुश? चलो आप आज आज इसी खुशी में व्हाट्सएप व्लॉग एंड करेंगे। कर दो यार। आपने मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को लाइक करें, ब्लॉग को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।